दोस्तों हाल ही में किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि हम कितना गोल्ड अपने पास घर में रख सकते हैं, कितना गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कितना ज्वेलरी गोल्ड का, सोने के गहने हम कितने रख सकते हैं हमारे घर में, और वो भी बिना इनकम प्रूफ के, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे सीज भी नहीं कर सकता। क्या आप दोस्तों ये बात जानते हैं? नहीं जानते तो अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आपके पास इनवॉइस है, इनकम का सोर्स है, आपने जो गोल्ड खरीदा था वो बैलेंस शीट में है और आपने उसे इनकम टैक्स रिटर्न में बताया है, तो जितना चाहे उतना गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं, भले ही इनकम टैक्स की रेड हो। मतलब आपने वो गोल्ड जो खरीदा था वो आपने डिस्क्लोज किया है तो आप उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहे जितना आपके पास गोल्ड वो रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात तब आती है कि जब गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो आपने खरीदे तो उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं है, और वो इनकम टैक्स रेड में सर्च करते हैं तो ये पाया जाता है कि एक्सेस क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपके घर में है लेकिन बुक्स में कम है, तो जो डिफरेंस आया वो अनडिस्क्लोज हो चुका है, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो उस केस में कितना हम गोल्ड रख सकते हैं और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज भी नहीं कर सकता। तो ये बात 2016 में प्रेस रिलीज के माध्यम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बताया था कि अगर आपके घर में कोई विवाहित स्त्री है, मैरिड वुमन है, तो 500 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, 500 ग्राम्स। अनमैरिड वुमन है यानी कि अविवाहित स्त्री है तो 250 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, और मेल मेंबर्स पुरुष है वो 100 ग्राम तक यानी कि 100 ग्राम्स तक वो सोर्स सोना रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, आपके पास इनवॉइस की कॉपी नहीं है, तो भी आप इतना गोल्ड जो अनडिस्क्लोज है, जो जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी आप इतना गोल्ड तो रख ही सकते हैं, आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो गए, गोल्ड ज्वेलरीज हो गई। और तीसरी बात इस सर्कुलर में, इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि आपको इनहेरिटेंस में मिला है, आपको ये जो गोल्ड है, गोल्ड ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, ये आपको इनहेरिटेंस में मिला है, मतलब अपने पूर्वजों से मिला है। तो इस केस में भी आप जितना चाहे उतना गोल्ड रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास इनवॉइस की कॉपी हो या गिफ्ट डीड हो या इनहेरिटेंस का जो डीड आता है वो आपके पास हो, तो भी आप इतना गोल्ड आराम से रख सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा। और इसमें एक बात और भी लिखी है इस प्रेस रिलीज में कि इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है आपके घर के माहौल को देखकर, आपके कल्चर को देखकर, आपके ट्रेडिशन को देखकर, तो और भी वो ज्यादा आपको गोल्ड रखने की इजाजत दे सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई, आपको बहुत ही ये काम लगेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपके सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल है तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।